बड़ा टोटल नहीं मिला इस पिच के मुताबिक हमारे स्पिनर्स ने, अभी वो स्पिनर्स ने वो बॉलिंग नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम अगेन लास्ट दो T20 हारने के बाद सीरीज भी हार गया और इंग्लैंड टीम ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली, कंट्रोल क्रिकेट खेली, पिच के मुताबिक क्रिकेट खेली, पिच के मुताबिक कैप्टनसी की या इन मॉर्गन ने आज के मैच पे, दूसरे मैच पे जोस बटलर था उसके, और पाकिस्तान टीम ने जैसे बारी की है, एक जैसे मोमेंटम बनाया हुआ था, सोचा हुआ था, पिच को देखा नहीं है, बारी लेते हुए देखने लेना चाहिए, जैसे कप्तान और रिजवान खेल रहे थे, एक्सपीरियंस है, शॉट नहीं लग रहे, तो यहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहे कि जैसे पहले दो मैचेस में पिचेस थी, हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। आज के मैच में, सिर्फ इस मैच में ये देखना था कि पाकिस्तान 170 किसी तरीके से, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने के बाद और स्ट्रॉन्ग फिनिश करने के बाद इतना होता था, लेकिन पार्टनरशिप लगाने के साथ पावर प्ले में जैसे आउट हुए हैं और जैसे बाबर आउट हुआ, मेरे ख्याल से बाबर का ठहरना बड़ा जरूरी होता है ऐसी पिच पे, स्पिनर्स को डोमिनेट करे। देखिए उनके स्पिनर्स कितने जबरदस्त रहे हैं, आदिल रशीद ने 4 विकेट ली है, मोइन अली ने 4 ओवर 19 रन 1 विकेट ली है, फिर लिविंगस्टन ने 21 रन दिए 3 ओवरों में। कैप्टनसी मॉर्गन ने समझदारी की है, पिच के मुताबिक उसने स्पिनर्स से ज्यादा बॉलिंग करवाई है क्योंकि ग्रिप हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, हम लोग वही फ्लो में खेल रहे थे कि हम 190 200 रन करने जाएं, उसकी वजह से रन मिस हुए हैं, बॉलें डॉट हुई हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं होती रही जिसकी वजह से रन हुए नहीं है, अच्छा फिनिश नहीं किया। रिजवान ने 76 रन जरूर बनाए हैं लेकिन आप ये देखें कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए था, 90 के करीब नट आउट जाना चाहिए था, 20 ओवर पूरे खेला वो, 57 बॉल खेला, और उसके साथ जैसे फखर खेला, फिर स्वेब ने जैसे शॉट्स खेली हैं, पीएसएल में ऐसी शॉट है छक्का हो जाता है क्योंकि 65 की मीटर की बाउंड्री होती है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बाउंड्रियां लंबी होती हैं। और स्पिनर्स ने जैसे मैंने बताया, इंग्लैंड की टीम ने बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है, लेकिन हमारी बैटिंग को समझ जाना चाहिए, हमारे थिंक टैंक जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं उनको पिच को देख लेना चाहिए, क्या पिच अलाउ कर रही है, ये चीजें हम लोगों ने मिस की हैं, सिर्फ 10 से 15 रन हम लोगों ने मिस की हैं जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम को एक बड़ा टोटल नहीं मिला इस पिच के मुताबिक। हमारे स्पिनर्स ने, अभी वो स्पिनर्स ने वो बॉलिंग नहीं की जैसे मोइन अली ने की है, अगर स्पिनर्स डरते ना, राम से बॉलिंग विकेट टू विकेट लूप के साथ करते हैं तो शायद और मुश्किल होती है उनके लिए, वो रस स्वीपें मारी हैं जिसकी वजह से पैनिक हुए, लाइन चेंज की है जिसकी वजह से रन भी हुए, आउट तो किए हैं उस्मान ने, 35 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है, लेकिन पिच के मुताबिक बॉलिंग अभी मजीद करनी चाहिए थी, बैटिंग भी नहीं हुई, बॉलिंग भी वैसे नहीं हुई। शहीन ने देखे पहला ओवर किया, 16 रन हुए हैं, उसके बाद देखें इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट उसको लगे हैं वहां पे छक्के, लेकिन उसने विकेटें नहीं छोड़ी अपनी, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसी पे रहा है वो, 25 रन दिए 1 विकेट लिया, हसन अली ने 28 रन दे के 1 विकेट लिया, हफीज ने आज देखे उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, लेफ्ट हैंड थे, मेरे ख्याल से हफीज को यूज करना चाहिए, 28 रन दे के 3 विकेटें ली हैं, बैटिंग में नहीं हुआ तो बॉलिंग में उसने वो करके दिखाया। सिर्फ पाकिस्तान टीम ने गलती क्या की, एक तो फिनिश अच्छा नहीं किया बैटिंग में, जो लास्ट 2 से 3 ओवरों में स्कोर नहीं हुआ, रिजवान सेट बैट्समैन था उससे बड़ी हिट नहीं लगी, अभी हसन अली ने 15 रन किए नीचे से आगे, ये छोटी छोटी गलतियां जिसकी वजह से ये सीरीज हमसे दूर चली गई है। बड़ी सीरीज थी, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होना था, जीत जाते जो नेक्स्ट ओवर वेस्ट इंडीज में, वो बड़ी जबरदस्त टीम है तो ये सीरीज जीत के जाते तो और अच्छा होना था, सिर्फ क्या है कि हम लोग पिच को नहीं पढ़ रहे, क्या डिमांड कर रही है पिच, सिर्फ ये चीजें हम लोगों ने देखते तो आज ये T20 सीरीज हम लोग जीत जाते। बैटिंग में जैसे मैंने कहा कि बड़ी गलतियां हैं, आप किसी को जबरदस्ती किसी भी नंबर पे सेट नहीं कर सकते, अगर जगह बनती है तो जरूर खिलाएं, उस्मान की आज जगह बनी उसको खिलाया, फखर को आप ओपनर हैं तो नहीं है तो पहले 3 में अगर जगह बनती है तो खिलाएं, नहीं तो आप उसको खिलाएं जिसको इस नंबर के लिए लेके गए हैं, आपने तैयार किया है, हाई परफॉर्मेंस कैंप में रखा है, इतनी हाई बनाई है उसको खिलाएं आप, ऐसे टीम का भी नुकसान होता है, प्लेयर का भी नुकसान होता है, ये चीजें मैनेजमेंट को देखनी पड़ेंगी, सिर्फ ये नहीं है कि हम जीत जाएं जिसको मर्जी खिलाएं, ऐसे कभी नहीं जीता जा सकता जब तक आप प्लानिंग अच्छी ना हो, आपका क्या नाम है प्लान जैसे तैयार किया जाता है हर लड़के के मुतालिक, उसके मुताबिक खिलाना पड़ता है, ये नहीं कि जब आप टूर पे चले जाते हैं वहां पे जाके सारी चीजें चेंज हो जाती है, जो टूर से पहले आपने बताया होता है, आवाम को तैयारी की होती है उस पे मेरे ख्याल से कायम रहना चाहिए, उसी के साथ चलना चाहिए, बाकी टीमें इसलिए कामयाब है।
श्रीलंका और इंडिया का मैच और दूसरा मैच इंडिया ने जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम की है, अच्छी क्रिकेट खेली है नई टीम के साथ, नए कैप्टन के साथ, नया कोचिंग स्टाफ, और श्रीलंका में जीतना और मेन टीम के साथ खेलना इतना इजी नहीं होता, और क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली, स्पेशली दूसरा ओडीआई मैच मुश्किल था, 6 आउट हो गए थे 160 पे, लेकिन उसके बावजूद वो मैच जीते हैं। श्रीलंका की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन गलत टाइम बैटिंग, जो सेट बैट्समैन आउट हुए हैं, जैसे फर्नांडो ने 50 रन के बाद हिट मारी है, आउट हुआ है। श्रीलंका ने जैसे 65 रन बनाए हैं, फिर करुणरत्ना ने 44 रन आज अच्छा फिनिश किया, अगेन उसने जैसे फिनिश करना चाहिए वैसे किया उसने, लेकिन श्रीलंका और ज्यादा टोटल कर सकती थी, अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, अच्छा मैच चल रहा था, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, सिर्फ क्या कि एक लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी, जैसे धनंजय गलत टाइम आउट हुआ 32 रन बना के, 30-32 पे आउट होना मेरे ख्याल से टीम को थोड़ा मुश्किल में डाल जाते हैं, तो यही चीज रही है श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप की तरफ से। उसके बाद जैसे बॉलिंग हुई है, भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेटें ली हैं 54 रन दे के, दीपक चाहल ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है 2 विकेटें ली हैं 53 रन दे के, और चाहल ने 3 विकेटें ली हैं, और कोई बॉलर ऐसा नहीं था जो विकेटें ले सके, लेकिन कंटेन करके रखा हुआ था, खुले रन नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से 275 रन पे श्रीलंकन टीम फिनिश हुई है पहली इनिंग्स। फिर जैसे चेस करने आए हैं श्रीलंका की तरफ से, पृथ्वी शो लास्ट मैच में जबरदस्त खेला 13 रन पे, धवन भी आउट हो गया था 29 रन बना के, ईशान किशन इनसाइड लगा तो बोल्ड हो गया, फिर पांड्या रन आउट हो गया, जबरदस्त खेल रहा था सूर्या कुमार यादव के साथ 37 रन बना के, बॉलर बैक ड्राइव लगी है, और सूर्या कुमार ने जैसे बैटिंग की है अनबिलीवेबल, क्या मैच्योरिटी, और क्या ऐसे लग रहा था कोई 70-80 ओडीआई मैच खेला हुआ है तो वो बारी कर रहा है, ऐसे 70-80 ओडीआई मैच तो नहीं, लेकिन डोमेस्टिक के मैच इतने खेल के आया था तो जो नजर आ रहा था, क्या मजे से उसने बैटिंग की, अपनी मर्जी से खेल रहा था, अनलकी रहा, लेग बिफोर हो गया, लेकिन उसके साथ जैसे पार्टनरशिप लगाई है कुणाल पांड्या ने 35 रन बनाए हैं, फिर दीपक चाहल ने जैसे फिनिश किया 69 रन बनाए हैं, उसके अलावा कोई बैट्समैन नहीं था जो पार्टनरशिप लगा सके, ये एक दो पार्टनरशिप लगी भुवनेश्वर कुमार के साथ दीपक चाहल की, जिसकी वजह से ये रन चेज हो। श्रीलंका की तरफ से संध्या कांत ने 1 विकेट ली है, हसरंगा ने 3 विकेटें ली हैं, उसके अलावा कोई बॉलर्स आउट नहीं करने वाला था, चमीरा भी आप देखें कि वो बॉलिंग नहीं हो रही थी, पेस के साथ नहीं हो रही थी, जो आउट चाहिए था जैसे 6 आउट हो गए थे इंडिया के 160 पे, उसके बाद तो ये मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए, लेकिन मैच्योरिटी प्रोफेशनलिज्म इंडियन टीम ने दिखाया, उन्होंने मैच जीता और सीरीज भी जीते हैं, क्या आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी है, क्या सेकंड ओडीआई जीते हैं, एक मुश्किल टाइम से निकले हैं और मैच जीते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दीपक चाहल की, और जैसे आउट हो गए थे मैंने बताया, लेकिन उसके बाद मैच्योरिटी दिखाना, प्रोफेशनलिज्म दिखाना इंडियन टीम ने दिखाया बैटिंग में, और टेक्निक दिखाई कैसे बैटिंग करनी है, कैसे एक्सटेंड करना है, टोटल इतना था कि अगर वो एंड तक जाते तो उनको पता था कि हमने जीत जाना, सिर्फ माइंडसेट वो रखा हुआ था जिसकी वजह से वो उसमें कामयाब हुए हैं इंडियन टीम और सीरीज जीत गए हैं।